हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उज्मा। तो आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ वो है समोसा। तो मैं आइए समोसे बताती हूँ आपको किस तरह से बनाऊँगी। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, सभी को पसंद आते हैं समोसे, इजीली बन जाते हैं घर में। तो आइए मैं बताती हूँ। तो मैंने 1 कप से ज़्यादा ये मैदा लिया है, ये देखिए। अब मोइन के लिए मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, ये देखिए, कम से कम 1/2 कप, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसका आटा गूंथ लूँगी। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी करूँगी क्योंकि मुझे ये आटा जो है ये थोड़ा मोटा ही रखना है, मतलब टाइट। तो थोड़ा थोड़ा कर मैं इसमें गूंथूँगी। देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से ऑयल मैंने इसमें से ये डाला है ताकि ये मेरे समोसे क्रिस्पी आए, इसलिए थोड़ा सा इसमें ऑयल डालना चाहिए। आप चाहें तो इसमें अजवाइन डाल सकते हैं। अगर आपको ना पसंद हो तो ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप डालें, स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा आटा रेडी हो चुका है। मैं इसे कम से कम 15 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी ताकि अच्छी तरह से फूल जाए और रेडी हो जाए समोसे बनाने के लिए। तो आइए मैं फिलिंग जो इसमें भर जाएगी समोसों में तो वो तैयार करते हैं। तो किस तरह से करेंगे, तो मैंने कम से कम 3 से 4 ये आलू उबाल लिए हैं। अब इनको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। मेरा आलू बिल्कुल मैश हो चुके हैं, इसको मैंने इस तरह से इसका भुर्ता तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, मैंने 1 चम्मच डाला है इसमें फ्रूट चाट का मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा चॉप किया हुआ अदरक, अदरक से टेस्ट बढ़ता है। फ्रेंड्स, मैंने सूखी मिर्च ली है 3-4 से 5 ये, और थोड़ा सा मोटा धनिया जो मैं इसमें थोड़ा सा दरदरा कर लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी, उससे टेस्ट और बढ़ जाएगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा समोसे का। देखिए, मैंने 1 चम्मच मोटा धनिया, अब इसको ग्राइंड कर लूँगी मैं थोड़ा दरदरा, ज़्यादा बारीक नहीं पीसूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे मटेरियल को जो मैंने इसमें ऐड किया था। अब मैं 2 हरी मिर्च इसकी चॉप करूँगी, काट लूँगी इसमें। फ्रेंड्स, मैंने हरी मिर्च के बाद अब मैंने 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया जो मैंने इसमें ऐड किया है, इससे टेस्ट बढ़ जाता है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी सारे मटेरियल को। 1 चम्मच ऑयल लिया है और अब मैं इसमें 1 चम्मच करूँगी और उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से, मतलब इसको जला लूँगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा बिल्कुल। तो मैं इसमें अपने जो फिलिंग है मेरी इसमें ऐड करूँगी इसको। तो मैं रेडी हो चुका है, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये फीलिंग बहुत रेडिंग हो चुकी, वो फीलिंग बहुत तैयार हो चुकी है माशाल्लाह, बहुत टेस्टी हो रही है क्योंकि मैंने इसका टेस्ट कर लिया। आप भी इस तरह से ज़रूर बनाएं अपने घर पर, आपको पसंद ज़रूर आएगा। देखिए, मेरा ये आटा भी मतलब बिल्कुल रेडी हो चुका है, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसे रखे हुए। फ्रेंड्स, देखिए मैंने इस तरह से लोइया इसकी तैयार कर ली है। अब
आप एक लोई इस तरह से बेलें, बेलन से देखिए मैंने बेलन से इस तरह से बेल ली है। ये फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इस तरह से बेल ली है। अब मैं इसको उठाऊंगी आराम से और इसको इस तरह से करूंगी। ये देखिए और अब मैं इसमें थोड़ी सी ये फीलिंग भुरते की भरूंगी। ये देखिए इस तरह से और इसको इस तरह से कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह से मैं सारा समोसा बना लूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने दोबारा से इस तरह से ऑयल लगाया है और मैंने इसमें थोड़ा सा अजवाइन भी डाल ऐड करी है। वो मैंने आपसे कह दिया था ऑप्शनल है, आपकी मर्जी हो डाले, पर बच्चे कहने लगे कि आप डालो मम्मी, तो मैंने डाला है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है। अब मैं इसको बीच में से कट करूँगी इस तरह से। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी, आप देखिए। और उसमें ये फिलिंग भरूंगी। इस तरह से मैं देखिए शेप दूंगी इसको, उसमें ये फिलिंग भरूंगी आलू की। इस तरह से फिलिंग भरूंगी, इसे फिलिंग करके इस तरह से फोल्ड कर लूंगी। ये सारे समोसे मैंने रेडी कर लिए हैं। देखिए इस तरह से आराम से अब मैं इसमें फिलिंग भर दूंगी उसको इस तरह से शेप दूंगी। लेम दी कि इसको स्टडी लेम से ही कर रही है। अल्लाह तो सबको दिखा रही। इस तरह से मैं इसको शेप दे दूंगी समोसे को और ये तैयार हो जाएगी, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से मैं सारा समोसा रेडी कर लूंगी। केयरफुली आराम से इस तरह से मेरा ऑयल हो चुका है गर्म। अब मैं इसमें अपने समोसे डालूंगी। देखिए इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स देखिए माशाल्लाह मेरे समोसे रेडी हो रहे हैं। बरसात का मौसम है और ये समोसे चाय बहुत अच्छी लगती है। आज भी हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, पर गर्मी में कोई कमी नहीं है, तो मेरे सोचा आज समोसे बनाए जाए। देखिए आप मेरे समोसे
रेडी हैं कुरकुरे क्रिस्पी। फ्रेंड्स ये देखिए मेरे समोसे रेडी हैं बिल्कुल। आप इसे ग्रीन चिली या रेड सॉस किसी से टमाटो सॉस से खा सकते हैं, चाय से, सभी से ये माशाल्लाह बहुत अच्छे लगेंगे सॉस से। तो देखिए मैंने ग्रीन चिली ली है। तो इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ मैं कल फिर हाजिर हूँगी, मगर आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ मैं कल फिर हाजिर हूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।